आरजेडी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के आरोपी को नीतीश ने कैबिनेट में जगह दे दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके यह आरोप लगाया कि मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, तो नीतीश कुमार ने आखिर उन्हें शिक्षा मंत्री कैसे बना दिया। आरजेडी ने मेवालाल के बहाने बीजेपी पर भी भ्रष्टाचार को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लगा दिया। तो आरजेडी एक बार फिर से हमलावर नजर आ रही है। हालांकि चुनावों के बाद हार का सामना करने के बाद तेजस्वी यादव कुछ वक्त के लिए जरूर शांत हो गए थे, ना वो घर से बाहर निकले। वहीं आरजेडी ने अब इस मामले पर जब मंत्री पद का बंटवारा हुआ है तो उसको लेकर निशाना साधा है सीधे सीधे नीतीश कुमार पर और बीजेपी पर भी। आप लोगों ने आरोप लगाया है, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा। देखिए, वो तीन चीजों से समझौते की बात नहीं करते थे, 3C, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। तीनों के समक्ष उनकी क्या मजबूरियां हैं पूरा बिहार जानता है, नतमस्तक है। अब मेवालाल चौधरी जी को ही लीजिए, शिक्षा विभाग उनके सौंपा गया है, महामहिम से ही कोई पूछ ले, उस वक्त गवर्नर थे रामनाथ कोविंद जी, और उन्होंने बहुत सख्त फैसले लिए थे, ये फरार थे। ऐसे व्यक्ति के हाथ में शिक्षा का दारोमदार, क्या कोई समझ है, कोई चिंतन है, या इतने अधिक दबाव में है माननीय मुख्यमंत्री जी, मनोनीत मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, कि उन वो तमाम चीज़ों में अब वो नज़र फेर लेते हैं। ये बिहार के लिए चिंता का विषय है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की रोजगार, वहाँ के युवाओं पर ऐसी एक भद्दी टिप्पणी इनको अपॉइंट करके इनको मिनिस्टर बना के की है ना, जो बिहार आसानी से भूल नहीं पा रहा है। अब आरजेडी के आरोपों पर मेवालाल चौधरी ने पलटवार किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में मेवालाल चौधरी ने आरजेडी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और उन्होंने आरजेडी पर ही भ्रष्टाचार करने के आरोप लगा दिए। उन्होंने ये दावा भी किया कि उनके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी जी। मेवालाल जी, जाहिर सी बात है आप शिक्षा मंत्री बने हैं, आपकी अपनी प्राथमिकताएं होंगी, शिक्षा में कैसे विकास करिएगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचारी और भगोड़े को शिक्षा मंत्री बनाया गया बिहार में। बड़ा अजीब सा लगा, आपने कितना बढ़िया सवाल शुरू किया था और कितना जगह गलत जगह आप सवाल को आप रोक दिए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है। नहीं, आप अपनी बातें रखेंगे तब आप बोल लीजिए, फिर हम नहीं बोलेंगे। कहा कि हम चाहते हैं कि कोई जो थॉट होते हैं ना, वो आइडियाज जो आते हैं दिल से आते हैं। आप जिस चीज़ की बात किए, विकास की बात किए, हम किसी के बारे में बोलते नहीं हैं। हम कहा है कि हम लोग बड़े शब्द और शम में, यही हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सीखे हैं, भाषा पे हमेशा कंट्रोल और एक संयम, एक व्हाट इज कॉल्ड ए डेकोरेटिव लैंग्वेज और डेकोरेटिव वर्ड शुड बी यूज्ड एट ए प्रॉपर प्लेटफॉर्म। आपने विकास की बात की, हम किसी का कंपेयर नहीं करेंगे, आप उनसे पूछेंगे 15 साल पहले बिहार क्या थी और बिहार क्या था। और जहाँ तक आरोप की बात है, बिल्कुल निराधार है, नंबर 1। नंबर 2, कोई आरोप पत्र नहीं है। नंबर 3, अगर ये न्यायालय की बात है तो न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है और न्यायालय सबसे ऊंचा है, हम लोगों के लिए शर्ममान है, उसका इंतज़ार करना चाहिए। इसके बारे में उससे कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, लेकिन अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस है और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस, न्यूज 18 की एक पहल।